हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक फॉकलिफ्ट पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉकलिफ्ट लाइसेंस के बारे में, कैसे आपको ये फॉकलिफ्ट लाइसेंस मिलेगा और इसकी क्या कॉस्ट होती है और कैसी कैसी जॉब्स आपको मिलती है। तो इसी वीडियो को मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे फॉकलिफ्ट लाइसेंस कैसे फ्री में लेते हैं और कैसी कैसी यहाँ पे जॉब्स हैं जो फॉकलिफ्ट के रिलेटेड है, प्लस इसका पे रेट कितना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। अगेन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब ना तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। बिफोर हम स्टार्ट करें, मैं आपको पहले फॉकलिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप टू टाइप्स ऑफ फॉकलिफ्ट देखोगे, एक होती है काउंटर बैलेंस एंड दूसरी होती है हाई रीच। ये दो फॉकलिफ्ट है जो ज़्यादातर वेयर हाउस या किसी भी शॉप कहीं पर भी ऑपरेट होती है, इससे अलावा आप कोई और ज़्यादा फॉकलिफ्ट नहीं देखोगे। एंड दूसरी बात यह है कि फॉकलिफ्ट एक ऐसा लाइसेंस है यहाँ पे जो बहुत ही जल्दी बन जाता है, आपको सिर्फ दो या एक दिन में आपका बन जाता है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप सभी बिगेनर्स हैं तो आपको दो दिन लगेंगे लाइसेंस लेने के लिए। प्लस अगर आप गर्ल्स हैं या फिर आप बॉयज़ हैं या कोई भी स्टूडेंट हो, आप सीधा ये लाइसेंस के लिए जाएं और बनवा लें। और इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी ऑस्ट्रेलिया के आप स्टेट में रहते हो, चाहे रीजनल में रहते हो, चाहे सिटी में रहते हो, आपको हर जगह फॉकलिफ्ट की जॉब्स मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं फॉकलिफ्ट प्रोसेस की। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, तो मैं इसको आपको चार पार्ट्स में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले मैं आपकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा मैं आपको, दूसरे में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, एंड थर्ड में एक टेस्ट होता है जो होता है रिटन प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट, और फोर्थ में मैं आपको कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं हम आपकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए आप कुछ भी, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स हैं, दोनों को फॉकलिफ्ट लाइसेंस ले सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो एज है वो 80 प्लस होनी चाहिए, अगर आप 80 हैं तो भी आप लाइसेंस ये ले सकते हैं। एंड थर्ड वन है वो है आपकी आईडी। आपके पास, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप वो नहीं चाहते यूज़ करना तो आप यहाँ की कोई भी पोस्ट आईडी या फिर ट्रांसपोर्ट आईडी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है USI, जिसको बोलते हैं यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर। ये एक नंबर होता है जो आपके नाम पर बनता है। आप यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा करते हैं या फिर कोई भी स्किल्ड कोर्स करते हैं तो ये आपको उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो आपको अगर आपका पता करना हो कि आप क्या कर रहे हैं तो उस नंबर से आपका पता चल जाता है कि आपने कौन सी स्किल यहाँ पे एक्वायर कर रखी है। तो वो आप बनवा लें बिफोर आप कोई भी लाइसेंस लेने के लिए जाएँ। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप सिंपली वहाँ साइट पे जाके उसकी एलिजिबिलिटी या कोई भी प्रोसीजर वो देख सकते हैं। वेरी सिंपल होता है ये यूनिक स्टूडेंट आईडी नंबर बनाना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट में आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह रहे हो, चाहे आप रीजनल एरिया में रह रहे हो या फिर आप सिटी में रह रहे हो, तो आप सिंपली गूगल कर लें ट्रेनिंग स्कूल, तो आपको बहुत सारे फॉकलिफ्ट ट्रेनिंग स्कूल मिल जाएंगे। तो आप जैसे भी जिसमें भी जाना चाहते हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली चूज़ कर लो जो आपको सही बैठता है। तो जो इसकी अपॉइंटमेंट की कॉस्ट है वो 300 से लेके 500 या 600 डॉलर तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बनवाया था तो आई गेस मैंने वहाँ पे 500 डॉलर पे करे थे लाइसेंस के लिए। तो आप कोई 300 या 250 डॉलर वाला भी स्कूल देख सकते हैं जो आपको ये लाइसेंस दे दे। तो अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और चाहे फ़ोन पे बुक कर लें, आपको एक हफ्ते या दो हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो मोस्टली आप सब बिगेनर्स हैं तो आपको दो दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी। मीन्स आपको दो दिन में ये फॉकलिफ्ट लाइसेंस मिलेगा। तो अब जब आपने अपॉइंटमेंट बुक करवा ली तो आपको वो कुछ मटेरियल सेंड करेंगे फॉकलिफ्ट लाइसेंस के रिलेटेड। जैसे आपको कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस होते हैं वेरी सिंपल फॉकलिफ्ट लाइसेंस के अकॉर्डिंग के, और उसमें एक वर्कबुक होती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अपीयर होंगे। तो हफ्ते का गैप होता है तो आप ये दो काम जरूर कर लें, अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर लें प्लस वो जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। तो जिस दिन आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो आपका वहाँ पे पहले रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। अगर आप पहले दिन जाते हैं तो आपका वहाँ पे एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, पहले आपके वो लेक्चर होगा, आपको सिंपल पूरा प्रोसीजर समझाएंगे, पूरा अच्छे से फॉकलिफ्ट लाइसेंस की जो थ्योरी होती है वो बताएंगे, फिर आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, एंड देन वो आपको एक ट्रेनिंग देंगे, सिंपल ट्रेनिंग जो कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करनी होती है आपको वेट लेके। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया फॉकलिफ्ट चलाने का मिल जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं चलाया फिर भी आप ये, मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आसानी से कर लोगे और आप पास भी कर लोगे। एंड वो दूसरे दिन आपको अगेन कॉल करते हैं, तब आपका रियल टेस्ट होता है जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो
तो आपको मुझे लग रहा है कि अराउंड मोर देन 50 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। तो जहाँ तक मैंने दिया था तो मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता तो आपको वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टेस्ट लेते हैं, तो बड़ा सिंपल होता, सेम चीज़ें वो करवाते हैं जैसे आपको उन्होंने प्रैक्टिस में कराई होती हैं। तो जहाँ तक मैं बता दूँ कि वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। हम वहाँ पे 10 बंदे थे जहाँ पे मैंने लाइसेंस बनवाया था, तो 10 के 10 को ही लाइसेंस मिल गया था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये लाइसेंस लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसमें अब आपका जब लाइसेंस बन जाता है तो आपको वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कम्प्लीशन का, असेसमेंट का, तो वो आपको जहाँ वहाँ जाके पोस्ट में सबमिट करवाना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ वर्क सेफ, जो अथॉरिटी आपको लाइसेंस देती है। तो आपका लाइसेंस है जो 20 या 21 दिन में आ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए वेट करनी पड़ेगी तभी आपको जॉब मिलेगी। आपका जिस दिन आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है फॉकलिफ्ट का, तब भी आप फॉकलिफ्ट चला सकते हैं, कहीं भी जॉब ले सकते हैं। तो मुझे भी याद है कि मैंने भी मेरी जॉब भी वो ही 10 दिन के अंदर मिल गई थी, बट मेरा जो लाइसेंस है वो बाद में आया था। तो ये नहीं है कि आपको वेट करनी पड़ेगी। तो अब मैं कुछ आपके सिंपल्स डाउट हैं वो आपको क्वेश्चंस होंगे, मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन और उसके मैं आंसर आपको अकॉर्डिंगली देता हूँगा। पहला जो मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन होगा कि आपको इसके लिए गाड़ी का लाइसेंस या कार का लाइसेंस चाहिए, तो इसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, सिंपली आपकी एज 80+ होनी चाहिए। एंड जो दूसरा क्वेश्चन मैं मानता हूँ वो होगा कि आपका कि आप बिना लाइसेंस के फॉकलिफ्ट चला सकते हैं, तो जो मेरा आंसर है हाँ, आप फॉकलिफ्ट बिना लाइसेंस के चला सकते हैं, बट उसके लिए आपको कोई बंदा होगा वहाँ पे, कोई भी पर्सन होगा जिसके पास फुल फॉकलिफ्ट लाइसेंस हो, वो आपको गाइड करे, तो आप बिना फॉकलिफ्ट लाइसेंस के भी फॉकलिफ्ट चला सकते हैं। तो थर्ड जो आपका है कि जॉब मिल जाती है फॉकलिफ्ट लाइसेंस लेने के बाद, तो इसके लिए मैं आपको यही बताऊँगा कि फॉकलिफ्ट लाइसेंस की जॉब्स बहुत हैं यहाँ पर, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट जॉब मिल जाती है, आपका एक एडवांटेज हो जाता है आपके पास जब आपके पास फॉकलिफ्ट लाइसेंस होता है, तो जॉब भी मिल जाएगी आपको, श्योरिटी है। तो यही थी आज की वीडियो, आपको मुझे होप है कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो मैं होपफुली सभी को रिप्लाई करूँगा। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी वीडियो को मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्री में फॉकलिफ्ट लाइसेंस कैसे मिलता है, प्लस इसकी जॉब्स एंड इसका पे रेट। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।